गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी। तो आप भी अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था अवर एनवायरनमेंट। तो हमने ये देखा था कि हमारा एनवायरनमेंट किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ये लिविंग थिंग्स हमारे चारों तरफ क्या पाई जाती हैं चीज़ें, लिविंग थिंग्स बहुत सारी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी हैं। तो हमारा जो ये पर्यावरण है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें हमें एयर मिलती है सांस लेने के लिए, ठीक है ना। हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पोल्यूशन भी हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। एयर पोल्यूशन होता है फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से, जो हम पटाखे जलाते हैं उससे, गाड़ियों से। फिर वाटर पोल्यूशन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर में क्या करते हैं, अपने घर का गंदा जो भी होता है वो उसे हम रिवर्स में डाल देते हैं, पानी में बहा देते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर हमने पढ़ा लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन किस किस तरीके से होता है। लैंड पॉल्यूशन है हमारा गार्बेज फेंकने से, घर का गंदा फेंकने से, पॉलीथिन फेंकने से और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से। नॉइस पॉल्यूशन, हम लोग घर में गाने सुनते हैं तो हम लोग उसकी आवाज़ बिल्कुल फुल वॉल्यूम करते हैं, टीवी देखते हैं तो टीवी देखते वक्त भी हम उसकी जो आवाज़ है वॉल्यूम वो फुल कर देते हैं, गाड़ियों का हल्ला है, पटाखे हैं, तो ये सब क्या होता है, इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। फिर हमने देखा कि हम अपना एनवायरनमेंट किस तरीके से बचा सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एयर जो है वो साफ़ होगी, क्लीन होगी, और इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट हम बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हम लोग प्लांटेशन करें अगर ट्रीज़ का, और पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करना हम छोड़ दें, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आज हम करेंगे इसमें, पहले आप ये देख लीजिए, नाउ आई नो, आपने ये किया होगा, मैंने आपको ये करने के लिए दिया था, ये वाला आपने कर लिया होगा। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आप देखिए, एनवायरनमेंट हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है, यूटेंसिल्स क्या होते हैं, हमारे घर में यूज़ किए जाने वाले बर्तन, प्लेजेंट मतलब होता है खुश, इम्प्योर मतलब दूषित, फर्टिलाइजर्स हमारे खाद जो हम लोग यूज़ करते हैं, और एक्सेसिव होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, यूज़ करना, तो एक्सेसिव कहलाता है। तो आज हम कर रहे हैं इसमें टिक द करेक्ट आंसर। तो प्लीज़ आप देखिए, मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, आप वो चेक करिए। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले डेट डालना है, ऊपर से लेसन का नाम, अवर एनवायरनमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट देख लीजिए, एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक, फर्स्ट है एस्थमा, सेकंड है कैंसर और थर्ड है एनीमिया। तो क्या होता है एयर पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से जो होता है, हमने इसके आगे बॉक्स बनाए हैं, आप देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो सही है उसके बॉक्स के अंदर हमें टिक का निशान लगाना है। तो एयर पॉल्यूशन से क्या होती है, ब्रीथिंग कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की कौन सी प्रॉब्लम होती है, एस्थमा, ठीक है, तो हमने इसमें टिक लगाना है। टू देखिए, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप अवर, हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट, ठीक। थ्री वाला देखिए, पोल्यूटेड मीन्स दैट इट हैज़ बीन मेड, पोल्यूटेड मीन्स क्या होता है, फर्स्ट है इम्प्योर, सेकेंड है डर्टी और थर्ड है डर्टी एंड इम्प्योर। तो इसका आंसर क्या है, डर्टी एंड इम्प्योर, डर्टी भी होता है पोल्यूटेड मीन्स और इम्प्योर भी, ठीक है, डर्टी एंड इम्प्योर दोनों ही इसका मतलब है। फोर देखिए, टू सेव अवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रो मोर ट्रीज, या हमें पेड़ लगाने चाहिए, डोंट यूज़ पॉलीथीन, पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर बोथ, बोथ मतलब होता है ये दोनों ही, तो इसका सही आंसर आपका थर्ड वाला है, बोथ, ठीक है। फिफ्थ देख लीजिए, लाउड नॉइस हार्म अवर, जब तेज़ करके कुछ वॉल्यूम चलती है, टीवी या फिर स्पीकर्स हम लोग चलाते हैं, तो उससे किसको हानि होती है, उससे किसको इफ़ेक्ट होगा, उससे हार्मफुल किसको होगा, वो नोज़ को होगा, एयर्स को होगा या फिर आइस को होगा, तो वो किसको हार्म होगा, एयर्स को मतलब कान, हमारे कान जो है तेज़ आवाज़ से क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने इसी तरीके से इसे अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी होगा उसको, जो भी एक्सरसाइज हमारी इसके बाद है, हम उसे कंप्लीट करेंगे।